गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स सेशन में। देखिए दोस्तों, आज मैं काफ़ी इजी न्यूज़ लेकर आई हूँ, जो कि आप इजीली मतलब लर्न कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है एंड आई होप आपको ये सेशंस हेल्प कर रहे होंगे। कोई भी आपकी सजेशन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मुझ तक पहुंचा सकते हैं एंड मैं ज़रूर उस पर्टिकुलर सजेशन पर वर्क करूंगी, ताकि मैं डे बाय डे आपके लिए और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ ये सेशन लेकर आती रहूं। इफ़ यू हैव नो क्रिटिक्स यू विल लाइकली हैव नो सक्सेस। यदि आपकी आलोचना करने वाले नहीं हैं तो शायद ही आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि देखिए जब कोई इंसान मेहनत कर रहा होता है तो उसके क्रिटिक्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, यानी ये कहने लगते हैं कि अरे ये तो बेकार कर रहा है, या फिर इसको तो फेल ही होना है, क्यों कर रहा है इतना फालतू की मगजमारी, ऐसे बोल देते हैं लोग। सो इसीलिए इफ़ यू हैव नो क्रिटिक्स यू विल लाइकली हैव नो सक्सेस। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेट देम क्रिटिसाइज़ यू, इट मीन्स दैट यू विल हैव सक्सेस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट हिरोशिमा डे टेक्स प्लेस एवरी ईयर ऑन 6th August। हम सब भी जानते हैं कि जो हिरोशिमा डे है, जो जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था अमेरिका के द्वारा, ये वो दिन है। हिरोशिमा डे टेक्स प्लेस एवरी ईयर ऑन 6th August। ये हॉरिफिक इंसिडेंट था जो कि 6 अगस्त 1945 में हुआ था, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ड्रॉप किया था एटॉमिक बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉय, जापान की हिरोशिमा सिटी पर, टाउन पर। ये जो बॉम्ब अटैक है, ये इसलिए किया गया था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो है ख़त्म किया जा सके 1945 में। 2021 marks the 76th anniversary of the world's first atomic bombing. 2021 जो है 76th anniversary बताता है इस विश्व के पहले एटम बॉम्ब की कहानी का। देखिए बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने वाला इंसिडेंट था एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड वी ऑल शुड वर्क टू प्रॉस्पर द पीस एंड यूनिटी एमंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल को रिसीव हुए हैं 4 स्कॉच अवार्ड्स। द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ रिसीव्ड 4 स्कॉच अवार्ड्स फॉर इट्स स्कीम्स अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव। जो पश्चिम बंगाल की जो ये स्कीम थी, क्या कहते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव था, इस स्कीम के अंदर वेस्ट बंगाल को जो है 4 स्कॉच अवार्ड्स मिले हैं। द स्टेट स्कीम सिल पासथी द ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल वॉन द प्लैटिनम अवार्ड, वाइल द ऑटो रीन्यूएबल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनलिस्टमेंट थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम फॉर अर्बन एरियाज हैज़ रिसीव्ड द गोल्ड अवार्ड। जो स्टेट की स्कीम है शिल्प साथी, ये सिंगल ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है जिसको प्लैटिनम अवार्ड मिला है, और जो ऑटो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनलिस्टमेंट थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम मिला है फॉर अर्बन एरियाज, इसको क्या मिला है, गोल्ड अवार्ड मिला है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपनी पहली डायरेक्टर मिली है 100 सालों में। जो भारतीय सरकार है उसने अप्रूव किया है डॉक्टर धृति बैनर्जी को एज द डायरेक्टर ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 100 सालों में देखिए पहली महिला अध्यक्ष मिली है इन्हें, जिनका नाम है डॉक्टर धृति बैनर्जी। ये एक प्रोलिफिक साइंटिस्ट हैं, कंडक्ट करती हैं रिसर्च जू जियोग्राफी, टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी और मॉलिकुलर सिस्टमैटिक्स में। इस ओकेजन पर जो 2016 में सेंटेनरी सेलिब्रेशंस हुए थे, बैनर्जी ने कोऑथर किया था द ग्लोरियस 100 वुमेन्स साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि क्रॉनिकल हुआ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन साइंटिस्ट्स इन द डोमेन ऑफ एनिमल रिलेटेड ग्रुप्स। इब्राहिम रेजी जो हैं, ये न्यूज़ तो काफ़ी पहले की है, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने 5 अगस्त 2021 को क्या किया है, ऑफिशियली इन्होंने क्या बन गए हैं, ईरान के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इन्होंने 2021 के ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जून में जीत लिए थे 62% वोट के साथ। 60 साल के रेजी जो हैं सक्सीड करेंगे हसन रूहानी को अपने 4 साल के आगे के टर्म को बिगिन करने के लिए। He has also been the Chief Justice of Iran since March 2019. मार्च 2019 से ईरान के चीफ जस्टिस भी थे। ICICI
प्रूडेंशियल लाइफ टाइज अप विद NPCI फॉर UPI ऑटो पे। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने किसके साथ टाई अप किया है? NPCI के साथ। किसके लिए? UPI ऑटो पे के लिए। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने टाई अप किया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑटो पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके कस्टमर्स को। ये जो टाई अप है, ये दूसरा स्टेप है कंपनी के डिजिटलाइजेशन जर्नी में, जो प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को एक हैसल फ्री और सीमलेस एक्सपीरियंस के साथ अक्रॉस द पॉलिसी लाइफ साइकिल। एक्सिस बैंक ने 1 मिलियन कस्टमर्स को जो है क्रॉस कर लिया है व्हाट्सएप बैंकिंग पर। एक्सिस बैंक ने माइलस्टोन क्रॉस किया है ऑफ ओवर 1 मिलियन कस्टमर्स अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर, जहां पे टोटल रिक्वेस्ट काउंट है 6 मिलियन की अब तक। एक्सिस बैंक ने लॉन्च की है बैंकिंग सर्विसेज व्हाट्सएप के साथ, जनवरी 2021 में की थी, एंड तब से जो है रोबस्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है इसके कस्टमर बेस में फॉर व्हाट्सएप बैंकिंग। सेबी ने अलाउ किया है पेमेंट बैंक्स को कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरह क्या करें, एक्ट करें। सेबी ने अलाउ कर दिया है, रजामंदी दे दी है पेमेंट्स बैंक्स को कि वो एक्टिविटीज़ कैरी आउट करें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरह, ताकि ईजी एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके इन्वेस्टर्स को, ताकि इन्वेस्टर्स जो है पार्टिसिपेट कर सकें पब्लिक एंड राइट्स इश्यूज में बाई यूजिंग वेरियस पेमेंट एवेन्यूज मार्केट रेगुलेटर। नॉन स्केड्यूल्ड पेमेंट बैंक्स जिनका प्रायर अप्रूवल होता है RBI से, अब वो एलिजिबल होंगे टू एक्ट एज अ बैंकर टू एन इशू। RBI ने अपनी बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी को अनाउंस किया है। करंट पॉलिसी रेट्स आप देख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं SSC जैसे एग्जाम्स में, कि रेपो रेट है 4.00%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25%, बैंक रेट 4.25%, CRR 4% एंड SLR 18.00%। खेल रत्न अवार्ड को रीनेम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रीनेम किया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यानचंद जिनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह, इन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड्स जीते थे हमारे देश के लिए हॉकी में। ओलंपियन फुटबॉलर SS बाबू नारायण, ही हैज़ पास्ड अवे। 2 times ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यन बाबू नारायण पास्ड अवे। ही वॉज इंडियाज गोलकीपर ड्यूरिंग द 1956 एंड 1960 ओलंपिक्स। सो फ्रेंड्स, हेयर वी रीच टू द एंड ऑफ अवर सेशन। I hope that the content that was presented in the video was really helpful and it is helping you in your studies as well. So friends, do continue your studies with confidence and full preparation, and do provide your suggestions in the comment section if you think that something improvement or some improvement might be needed in the videos, and you can tell me any other suggestion if you want. Your suggestions are always welcome. So share with your friends, whosoever is preparing for the various government exams. Do not forget to subscribe the channel if you are new to it. Press the bell icon to never miss an update and do like the video. Thank you for watching and have a wonderful day ahead.